सहारनपुर में देवबन के मोहल्ला अब्दुल हक तपरी में रहने वाली पीड़ित लड़की के घर एक युवक आया और लड़की को कहा कि उसके भाई ने कुछ रुपए भिजवाए हैं। इसी बात पर लड़की ने दरवाजा खोला तो आरोपी लड़के ने उसे कुछ रुपए दे दिए। लड़की जब दरवाजा बंद करने लगी तो आरोपी युवक ने दोबारा पैसे देने की बात कही। जैसे ही लड़की वापस आई तो आरोपी लड़के ने लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। लड़की के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी युवक मौके से फरार हो गया और अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल पुलिस ने युवती से अकेले में पूछताछ कर आरोपी युवक के बारे में जानकारी ली है। दूसरी ओर लड़की के परिजन अभी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आपकी जानकारी लाना चाहूँगा, ये देवबंद में रहने वाली लड़की है, मोहल्ला अब्दुल हक टपरी। ये अपने घर पर थी, इनके भाई का नाम मुन्ना है। किसी यंग लड़के ने रात्रि में 10 बजे करीब में इनके दरवाजे को नॉक किया और इनके भाई के नाम से आवाज़ लगाई। जब इन्होंने अपना दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया कि मुन्ना ने, जो कि दिल्ली में काम करता है, उसने कुछ पैसे भेजे हैं। इस बात पर उसने दरवाज़ा खोल करके वो पैसे लिए। उसके बाद में उस लड़के ने दोबारा से बोला कि कुछ और पैसे भेजे, और जब ये बच्ची मुड़ी तो उसके ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला है, जो लो इंटेंसिटी ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया किसने कृत्य किया है, परंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी सब पता कर लगा करके गिरफ्तारी कर रहे हैं।